जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? जो स्टूडेंट्स हो आज, जो जी बेटा, हम लास्ट टाइम पढ़ रहे थे वावल एलिमिनेशन, ठीक है? वो हमारा कंप्लीट हो गया कि वावल और यूरिनरी एलिमिनेशन पैटर्न क्या है। तो आज का हमारा, एक मिनट होल्ड करना बेटा।
जी बेटा, लेक्चर स्टार्ट हो गया। ठीक है, हमारा जी आर यू लिसन मी। जी ओके ठीक है। जी बेटा, हमारा जो लास्ट लेक्चर था एलिमिनेशन पैटर्न, वो खत्म हो गया। आज से हम पढ़ रहे हैं स्लीप एंड रेस्ट पैटर्न। ठीक है, स्लीप एंड रेस्ट पैटर्न जो है, इसके ऑब्जेक्टिव डिफाइन स्लीप एंड रेस्ट पैटर्न, डिफाइन टर्म रिलेटेड टू रेस्ट एंड स्लीप, कंपेयर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्लीप एंड रेस्ट, डिस्कस द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ टू काइंड ऑफ स्लीप, enumerate the function of sleep, discuss factor affecting sleep, identify common sleep disorders and identify condition necessary to promote sleep, discuss nursing process for patient to promote sleep. तो mean के आज हम sleep and rest pattern जो है वो पढ़ने जा रहे हैं। तो हम देखते हैं डेफिनेशन क्या है। स्लीप एंड रेस्ट पैटर्न है हमारे इस यूनिट का नेम। स्लीप एंड रेस्ट की डेफिनेशन को डिफरेंशिएट किया है। स्लीप इज अ नेचुरल अकरिंग अल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस कैरेक्टराइज्ड बाय डिक्रीज इन अवेयरनेस एंड रिस्पॉन्सिवनेस टू स्टिमुलाई। अब स्लीप जो है एक नेचरिंग अल्टर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस है। ठीक है, नेचुरली जो है कॉन्शियसनेस अल्टर्ड हो जाती है। इसमें डिक्रीज इन अवेयरनेस एंड रिस्पॉन्सिवनेस टू स्टिमुलाई, इसमें स्टिमुलाई जो है वो डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, अब रेस्ट इसके मुकाबले में, रेस्ट इज व्हेन मोटर और कॉग्निटिव रिस्पॉन्सिस डिक्रीज बट अवेयरनेस ऑफ द एनवायरनमेंट इज मेंटेन। अब जो स्लीप और रेस्ट में जो डिफरेंस है वो ये कि स्लीप में कॉन्शियसनेस जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक है, और स्टिमुलाई रिस्पॉन्सिवनेस, स्टिमुलाई और कॉन्शियसनेस दोनों ही जो है वो डिक्रीज हो जाती है। बट रेस्ट जो है इज द मोटर और कॉग्निटिव रिस्पॉन्सिस डिक्रीज, इसमें मोटर रिस्पॉन्स जो है और कॉग्निटिव रिस्पॉन्स वो डिक्रीज होते हैं। बट अवेयरनेस ऑफ द एनवायरनमेंट इज मेंटेन, बट उसमें अवेयरनेस जो है वो कॉन्शियसनेस को कुछ नहीं होता, वो अवेयर होते हैं, एनवायरनमेंट मेंटेन रहती है उनकी, जस्ट वो रेस्ट कर रहे होते हैं। अब दो मिनट के लिए आप देखते हैं कि जब हम लेटते हैं सिर्फ रेस्ट के लिए, तो रेस्ट के लिए हमारा माइंड जो है वो थोड़ा रिलैक्स हो जाता है। ठीक है, बट अगर हमारे नजदीक कोई बात करे या कोई भी एक्टिविटी हो रही है तो हम बिल्कुल अवेयरनेस होते हैं उसके लिए। एनवायरनमेंट में जो कुछ भी हो रहा होता है हमें पता होता है, जस्ट हम जो है अपने कॉग्निटिव रिस्पॉन्स जो है उसको डिक्रीज करके रेस्ट कर रहे होते हैं। तो अगर इसमें डिफरेंस दिया जाए तो स्लीप में हमारा कॉग्निटिव जो है वो भी रिस्पॉन्स डिक्रीज हो जाता है, और हमारा जो है स्टिमुलाई रिस्पॉन्स वो भी, और हमारी अवेयरनेस जो है वो भी जो है इररिस्पॉन्सिबल हो जाती है। ठीक है, अनकॉन्शियस जैसे होते हैं हम, इस तरह से हो जाते हैं। अब इंट्रोडक्शन टू स्लीप जो है बेसिक ह्यूमन नीड है। स्लीप यूनिवर्सल बायोलॉजिकल प्रोसेस, ये यूनिवर्सली एक प्रोसेस चल रहा है। रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम है इज इन्वॉल्व इन स्लीप वेक साइकिल में, और इस स्लीप वेक एंड अवेक साइकिल जो है साइकिल, इसमें रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम जो है वो इन्वॉल्व है। Human response, but one third of their lives asleep. अब human responses अगर देखा जाए तो one third जो है of their जो है lives asleep होती है, और average sleep cycle is 90 to 110 minutes होता है। अब sleep cycle जो है, every sleep cycle जो है वो 90 to 110 minutes। अब अभी आपको इस सारे की समझ नहीं आएगी जो चीज मैं बता रही हूँ, जो
पहले जैसे बेसिक ह्यूमन नीड की आई होप कि आपको पता चल गया कि जी बेसिक जो है ह्यूमन नीड है, यूनिवर्सल बायोलॉजिकल प्रोसेस है, ये भी आपको इसकी भी समझ आ गई। रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, ह्यूमन नीड अबाउट 1/3 ऑफ देयर जो है लाइफ स्लीप, 1/3 जो है इससे स्लीप जो है वो जरूर लाजमी है स्लीप, और एवरेज स्लीप साइकिल इज जो भी हमारा स्लीप साइकिल है वो 90 to 110 मिनट्स है। इन एक दो सेंटेंसेस की आपको समझ तब आनी जब हम स्लीप साइकिल जो है उसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। मेरी नेक्स्ट स्लाइड जो है उनमें स्लीप जो है उसकी टाइप्स और स्लीप साइकिल जो है वो किस तरह से कंप्लीट करते हैं, तो उसमें आपको पता चलेगा कि 1/3 स्लीप जो है वो कैसे होती है या 90 to 110 मिनट जो है स्लीप साइकिल कैसे चलता है। इसके साथ ही हमारी जो है सर्केडियन रिदम्स है। सर्केडियन रिदम्स क्या है? सर्केडियन रिदम आर फिजिकल, मेंटल एंड बिहेवियरल चेंजेस दैट फॉलो आर डेली साइकिल। डेली 24 आवर्स का हमारा जो साइकिल है उसमें टोटल जो है डे नाइट पे हम जो करते हैं फिजिकल, मेंटल एंड बिहेवियरल चेंजेस आती हैं डेली, दैट इज कॉल्ड सर्केडियन रिदम। दे रिस्पॉन्स प्राइमरीली टू लाइट एंड डार्कनेस। इसके रिस्पॉन्सिस जो है लाइट और डार्कनेस, लाइट जो लाइट में फंक्शनिंग होनी, डार्क जो हमने सोना दे रहे हैं इन एन ऑर्गेनिजम्स इन्वायरमेंट, ठीक हो गया। स्लीपिंग एट नाइट एंड बीइंग अवेक ड्यूरिंग द डे इज एन एग्जांपल ऑफ अ लाइट। तो इसमें जो डे टाइम जो है फिजिकली, मेंटली, बिहेवियरली एक्टिविटी होती है, और नाइट टाइम जो स्लीप पैटर्न हमारा स्लीप साइकिल चलता, दैट इज 24 आवर्स में जो कुछ हुआ दैट इज द सर्केडियन रिदम। लातिन वर्ड्स मीनिंग अबाउट अ डे, लातिन वर्ड्स पे कहा गया है कि पूरे दिन में जो एक्टिविटी दैट इज कॉल्ड सर्केडियन रिदम। इसी का जो है नेक्स्ट है कि स्लीप इज कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल रिदम। When a person's biological clock coincides with sleep-awake cycle, the person is said to be in circadian synchronized. ठीक है, अब ये जो मैं आपको बता रही हूँ कि sleep is complex biological rhythm, जैसे मैंने जो आपको बताया कि circadian rhythm start में जैसे physical, mental and behavioral changes that follow a daily cycle. Daily cycle में जो भी changes आती हैं, कभी इंसान तो जो है mentally relax है, कभी mentally जो है वो busy है, physically relax है, behavior ups and down changes आ रही हैं, और कभी sleep cycle हो रहा, ये सारी चीजें जो है यही sleep is complex biological rhythm है। When a person's biological clock coincides with sleep-wake cycle, sleep-wake cycle और एक इंसानी जिंदगी क्लॉक की तरह चल रही, ठीक है। The person is said to be in circadian synchronized. तो इस जो साइकिल जो जिंदगी का चल रहा है 24 आवर्स का, that is the circadian synchronized, जिसमें जितनी भी फंक्शनिंग हो रही है, ठीक हो गया। The characteristics of sleep क्या होंगे? Minimal physical activity। अगर हमें sleep के characteristics पूछे जाए तो क्या होंगे? सबसे पहले तो minimal physical activities। Students are you listening? Characteristics of sleep में minimal physical activity होगी और variable जो है variable level of consciousness। और इसमें जो जब हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं 24 आवर्स में, तो इसमें हमारे लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस भी चेंज होते हैं, ठीक हो गया। चेंजेस इन द बॉडी फिजिकल, इट्स ओके बेटा, थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू। नेक्स्ट है चेंजेस इन द बॉडी जो है फिजियोलॉजिकल प्रोसेस,
और फिजियोलॉजिकल चेंजेस भी आती जाती हैं प्रोसेस में। जैसे डे टाइम अगर हम फंक्शनिंग करते हैं तो भी जो है फिजियोलॉजिकल चेंजेस आती हैं, और इसमें स्पेशली नाइट टाइम जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस आती हैं उसका एक प्रोसेस है जो स्लीप साइकिल प्रोसेस है। नेक्स्ट स्लाइड में हम उसको पढ़ने जा रहे हैं। डिक्रीज रिस्पॉन्सिवनेस टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। अब इसमें जो रिस्पॉन्सिवनेस टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई है वो डिक्रीज हो जाती है। हम एक्सटर्नली जो है वो कोई फंक्शनिंग नहीं कर रहे होते जब स्लीप साइकिल हमारा स्टार्ट हो जाता है। अब जो स्लीप साइकिल है उसमें स्टेज वन है, इसकी स्लीप साइकिल की स्टेजेस है। स्टेज वन जो है इसमें NREM नॉन रैपिड आई मूवमेंट लिखा हुआ है, ठीक है। स्लीप स्टेजेस है, स्टील स्लीप स्टेजेस में हमारी स्टेज वन है जिसको हम बोलेंगे नॉन रैपिड आई मूवमेंट। नॉन रैपिड आई मूवमेंट जब हम स्लीप स्टार्ट करते हैं तो उसकी स्टेज वन होती है। इसमें रिलैक्स एंड ड्रॉजी रिलैक्स्ड एंड ड्रॉजी होता है, यूजली लास्ट ओनली अ फ्यू मिनट। हम फ्यू मिनट के लिए रिलैक्स एंड जो है ड्रॉजी, फिर यूजली लास्ट ओनली अ फ्यू मिनट, ये फ्यू मिनट के लिए होता है। आई रोल फ्रॉम साइड टू साइड, आई रोलिंग जो है वो साइड टू साइड जो है आई रोलिंग हो रही होती है। हार्ट एंड रेस्पिरेटरी रेट ड्रॉप स्लाइटली, हार्ट एंड रेस्पिरेटरी जो रेट है वो स्लाइटली ड्रॉप हो रहा होता है। स्लीपर कैन बी रेडी अवेकेंड। अब इसमें जो है स्लीप जो कर रहा होता है वो फौरन अवेक हो जाता है, वो रेडी होता है कि छोटी सी बात पे वो उठ के बैठ जाता है, कॉन्शियस हो जाता है। ये स्लीप जो है पैटर्न, इसकी स्टेजेस है। स्टेज वन है जैसे हम सोने के लिए रात को बेड पर जाते हैं तो हम रिलैक्स होते हैं, रिलैक्स होते हैं तो ड्राउजी सा होता है, ठीक है। अभी हम सोए नहीं हो रहे, हमें हर चीज जो है वो एनवायरनमेंट में जो भी एक्टिविटी हो रही है, जो भी बातें हो रही होती है हम सुन रहे होते हैं, बट हम यहाँ पे रिलैक्स होते हैं। यूजली लास्ट ओनली अ फ्यू मिनट, अब ये फ्यू मिनट के लिए होता है और हम अपनी आईज को रोल कर रहे होते हैं इधर उधर तक मोर रिलैक्स करने के लिए। हार्ट एंड रेस्पिरेटरी रेट ड्रॉप स्लाइटली, जैसे जैसे स्लीप साइकिल बढ़ता जाएगा हार्ट और रेस्पिरेटरी जो है रेट वो ड्रॉप होता जाता है, यहाँ पे माइल्ड जो है वो ड्रॉप होता है। फिर स्लीपर कैन बी रेडी अवेकेंड, और फौरन अगर कुछ हैपन होता है तो फौरन हम उठ जाते हैं क्योंकि हम कॉन्शियस होते हैं। तो ये था हमारा स्लीप स्टेजेस में स्टेज वन नॉन रैपिड आई मूवमेंट। हमारे यहाँ जो है आई मूवमेंट जो है वो नॉन रैपिड आई मूवमेंट हो रही होती है, बहुत तेजी तेजी से नहीं हो रही होती है। इसी तरह से स्टेज टू में क्या होता है, स्टेज टू जो है स्लीप स्टेजेस में ये भी नॉन रैपिड आई मूवमेंट है, इसमें लाइट स्लीप आ जाती है, उसमें हम सोए नहीं थे, हम सिर्फ रिलैक्स थे। स्टेज टू में जो है लाइट स्लीप है, नीड मोर स्टिमुलाई रिलेटिव टू स्टेज वन टू बी अराउज्ड। अब स्टेज वन में जैसे ही कोई हैपन होता है तो फौरन जो है हम खुद से जो है उठ जाते हैं, ठीक है, और यहाँ जो है मोर स्टिमुलाई हिलाना पड़ता है, ठीक है, उठाने के लिए रिलेटिव टू स्टेज वन टू बी अराउज्ड। अब अराउज करने के लिए यहाँ थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ती है किसी को जगाने के लिए, तो स्टेज वन में वो खुद ही उठ जाता है अगर कोई आवाज दे, अगर कोई जो है कोई हैपन हो जाए उसके इर्द गिर्द, ठीक हो गया। बॉडी प्रोसेस जो है कंटिन्यू टू स्लो डाउन, उसमें जो है माइल्ड जो है कार्डियक एक्टिविटी और रेस्पिरेटरी रेट जो है वो बहुत जो है माइल्ड सा स्लो डाउन था, इसमें कंटिन्यूसली जो है वो स्लो डाउन होता जा रहा है। हार्ट एंड रेस्पिरेटरी रेट ड्रॉप स्लाइटली,
और हार्ट और रेस्पिरेटरी रेट जो है वो भी स्लाइटली जो है वो ड्रॉप होता रहता है, और बॉडी प्रोसेस जो है वो कंटिन्यूसली स्लो डाउन होता हो रहा होता है। फिर बॉडी टेम्परेचर फॉल्स, बॉडी जब सोए होते हैं जितनी गहरी धीम में होंगे उतनी गहरी उतना ज़्यादा जो है हार्ट और रेस्पिरेटरी रेट जो है ड्रॉप करेगा, टेम्परेचर भी उतना ही फॉल करेगा लास्ट 10 to 15 मिनट। और ये स्टेज जो है 10 to 15 मिनट की है, 40% to 50% ऑफ टोटल स्लीप। जो हमारा टोटल स्लीप है उसके 40 to 50% इस तरह की जो है वो स्लीप होती है। अब जो मैंने स्टेज फर्स्ट बताया उसमें आपको टाइमिंग नहीं बताया, वो जो है उन्होंने कहा था कि जस्ट अ मिनट्स, कुछ मिनट्स के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए। और सेकंड स्टेज जो है वो 10 मिनट्स के लिए बताइए, और 10 मिनट्स में वो रिलैक्स हुआ, स्टिमुलाई उसकी जो है वो कंटिन्यूसली ड्रॉप करती जा रही है, लेजी होती जा रही है, ठीक है। और हार्ट रेट और रिस्पायरेटरी रेट ड्रॉप करते जा रहे हैं, बॉडी टेम्परेचर फॉल करता जा रहा है। एवरी नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्टेज टू जो है वो 10 to 15 मिनट की होती है। अब ये जो मिनट टाइम और इसमें जितनी एक्टिविटी है, स्लो डाउन, हार्ट रेट फॉल, द टेम्परेचर एंड रेस्पिरेटरी रेट स्लो डाउन, एंड बॉडी प्रोसेस जो है कंटिन्यूसली स्लो डाउन, ये आपको कहीं भी पूछा जा सकता है। आपको MCQs में पूछा जा सकता है, आपको SCQs में पूछा जा सकता है, आपको वाइवा में पूछा जा सकता है, ठीक हो गया। स्टेज थ्री जो है लेस इजीली अराउज, इसमें जो है इजीली अराउज करना लेस होगा। स्टेज वन में तो अराउजिंग खुद से हो गई। बेटा कल से कॉलेज खुल रहे हैं, ठीक है, 15 कल से आप कॉलेज आओगे इंशाल्लाह। लेकिन आपको जो फाइनल मैसेज है वो अभी मिल जाएगा। अभी जो है मैडम प्रिंसिपल्स की मीटिंग जो है मैनेजमेंट के साथ होने जा रही है, जैसे ही मीटिंग होती है तो हम आप लोगों को खुद से मैसेज कर देंगे। तो इंशाल्लाह 15th को कॉलेज जो है वो खुल जाएगा जी। स्टेज वन स्टेज थ्री की बात हो रही थी, ये मेरा लास्ट लेक्चर है आप लोगों के साथ जो ऑनलाइन लेक्चर है, कल से हम लाइव जो है वो लेक्चर देंगे। बेटा जरा इसकी मेरे लैपटॉप की बैटरी जो है वो डाउन होगी, मैं एक दफा लगा लूँ इसको, चार्जर लगा दूँ, जस्ट अ मिनट। हाँ जी बेटा, तो देखिए स्टेज थ्री हम पढ़े हैं, लेस इजीली अराउज। फर्स्ट स्टेज में खुद ब खुद अराउज हो जाता है, सेकंड स्टेज में थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ती है, थर्ड स्टेज में लेस इजीली अराउज, इसमें अराउज करना इजी नहीं होता, इसमें जगाने से भी जो है जरा ज्यादा पेशेंट को या क्लाइंट को ज्यादा एफर्ट करनी पड़ती है उसको अराउजिंग के लिए। मसल्स टोटली रिलैक्स, यहाँ पे इसके मसल जो है वो टोटली रिलैक्स्ड हो चुके हैं। स्टेज थर्ड में जो है वो मोर रिलैक्स हो रहा था, फिर बॉडी टेम्परेचर लोअर्स, वहां बॉडी टेम्परेचर लोअर होने जा रहा था, यहाँ थ्री स्टेज में बॉडी टेम्परेचर लोअर डाउन हो चुका है लास्ट अबाउट 10 मिनट्स। ये स्टेज जो है लास्ट अबाउट 10 मिनट्स की होती है। दूसरी जो है वो 10 to 15 मिनट, 15 और 10 मिनट कितने हो गए 25 मिनट, ठीक है।
25 मिनट स्टेजेस होगी, और अगर फर्स्ट स्टेज हम उस पे डालें 5 मिनट भी डालें तो 30 मिनट हो गए टोटल। लेकिन मैं आपको वैसे टोटल बता रही हूँ, हमने टोटल नहीं, हमने स्टेज वाइज टाइम को मेंशन करना है कि स्टेज वन का टाइम मेंशन नहीं था, वो मैंने तकरीबन बताया कि शॉर्ट होता है 5 मिनट का, 5 टू 10 मिनट लगा दें, और स्टेज टू जो है वो 10 टू 15 मिनट, और इसमें तमाम एक्टिविटीज जो है वो स्लो डाउन हो रही होती है, बॉडी एक्टिविटीज और बॉडी प्रोसेस जो है वो कंटिन्यूसली स्लो डाउन हो रहा होता है। इसमें टेम्परेचर फॉल्स की तरफ जा रहा होता है, हार्ट एंड रेस्पिरेटरी रेट जो है वो भी ड्रॉप कर रहा होता है। थर्ड स्टेज पे जो है ये सारी चीजें ड्रॉप कर चुकी होती है, ब्लड प्रेशर डाउन हो चुका होता है, बॉडी टेम्परेचर लोअर हो चुका होता है। लास्ट अबाउट 10 मिनट की ये स्टेज होगी। स्टेज फोर की तरफ हम आ रहे हैं। स्टेज फोर जो है नॉन रैपिड आई मूवमेंट डीप स्लीप, इसमें क्या है डीप स्लीप होती है, रेयरली मूव्स, मसल्स कंप्लीट रिलैक्स, डिफिकल्ट टू अराउज, लास्ट अबाउट 30 मिनट्स, स्लीप वॉकिंग एंड एंजुरेसिस में अकर। अब स्टेज फोर जो है, एक दफा मैं देख लूँ, हाँ जी गुड, स्टेज फोर जो है ये डीप स्लीप होता है। स्टेज फोर इसमें डीपली जो है इंसान सो जाता है, रेयरली मूव्स, इसमें मूव भी नहीं करता। स्टेज वन टू में तो बार बार मूव करता है, थ्री में कभी कभार, और स्टेज फोर में मूव भी नहीं होता, जैसे हम साइड ले रहे होते हैं। फिर मसल्स कंप्लीटली रिलैक्स हो चुके होते हैं, बाजू उठाएं तो वो नीचे गिर चुका होता है। फिर डिफिकल्ट टू अराउज, इसमें अराउज करना डिफिकल्ट होता है, किसी एक्टिविटी का कोई पता नहीं होता, कमरे में कोई शाउटिंग कर रहा है, टीवी चल रहा है, कोई बोल रहा है, क्या हो रहा है, ठीक हो गया। लास्ट अबाउट 30 मिनट, ये 30 मिनट की होती है। स्लीप वॉकिंग एंड एंजुरेसिस में अक्सर कुछ लोगों को जो है ये स्लीप जो है इसके दौरान कुछ लोग वॉकिंग और कुछ टॉकिंग करते हैं, ठीक है। तो इस टाइम पे जो वॉकिंग करेंगे उनको ये बिल्कुल भी नहीं पता होगा कि वो चल रहा है, वो स्लीप, ये कॉम्प्लिकेशन जो है ये स्लीप की है। मेंटली वो कुछ डिस्टरबेंस होती है जिसमें स्लीप वॉकिंग, स्लीप टॉकिंग एंड स्लीप इंजुरीज। तो इसमें जो छोटे बच्चे वो एंजुरेसिस सोए सोए जो है यूरन ऊपर कर देते हैं, तो ये कॉम्प्लिकेशन है। स्लीप वॉकिंग एंड एंजुरेसिस भी यहाँ पे हो जाता है। ये थी हमारी स्टेज, मैंने वन बताया वो भी मैंने नॉन रैपिड आई मूवमेंट, स्टेज टू जो थी वो भी हमारी नॉन रैपिड आई मूवमेंट, और स्टेज फोर जो है वो भी हमारी नॉन रैपिड आई मूवमेंट है, ठीक है। ओके थैंक यू, अटेंडेंस का टाइम आ गया, और हम स्टेज जो है फाइव से स्टार्ट करेंगे, स्लीप स्टेजेस में रैपिड आई मूवमेंट, ठीक है। अब रैपिड आई मूवमेंट जो है वो वहां से हम स्टार्ट करने जाएंगे। तो अब मैं अटेंडेंस ले लूं आप लोगों की। थैंक यू, आपने मुझे जो है थैंक यू, यू आर रिमेम्बरिंग मी फॉर द अटेंडेंस। अब मैं जो है अटेंडेंस ले रही हूं।
جی بیٹا، اٹینڈنس ہو گئی ہے میری طرف سے، اللہ حافظ اینڈ ٹیک کیئر.